अफवानी साहब, आर्मी तरमीम के हवाले से इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है जिसमें नवाज शरीफ ने एक जोहराना रखा गया है, अशाया रखा गया है, जिसमें बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। क्या निकलने वाला है इस मुलाकात के बाद, कुछ नतीजा आप अखज करेंगे? मेहरबानी, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। मेरे ख्याल में ये इस उजलत में जो अब जरा तेजी आ गई जोर हो गया था, मेरे ख्याल में है तादाद अपना। आपकी सर आवाज कट रही है भगवानी साहब, आपकी आवाज कट रही है। अगर किसी ऐसी साइड पे आ जाए जहाँ पे सिग्नल का कोई मसला ना हो सर। आप नहीं, मैं आप बताएं, आप बेहतर है सर, आप बात करें सर। चर्चे से ऊपर नीचे हो रहा था, आज थोड़ी सी तेजी आई है और शायद उन्होंने कल बुलाया भी है जमातों को, तो हो सकता है कि इनके नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हैं शायद वो जोर लगाकर जो कुछ इन्होंने किया है शायद पूरे हो गए, तो उसकी एक वजह नजर आ रही है कि जो समझौता मौलाना फजल रहमान साहब का और कुछ उन लोगों को जो उनके साथ पीटीआई में थे, शायद उनको कोई तरीके से मना लिया गया है चंद हजरात को, और उसकी वजह से शायद नंबर पूरे हो हुए लगते हैं और वो कल पता लग जाएगा कि जी वो अगर मुलाकात पार्लियामेंट मिलता है तो बिल जो पेश होगा तो वो अगर उसी वक्त उसको पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सारी चीजें पहले तय हो ही हुई थी और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इसके ऊपर कोई बहस कर सके या इसको अवामुन्नास के सामने पेश करके राय आमा बनाई जाए कि जी क्या करना चाहिए। झगड़ा तो है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस यहाँ रहेंगे या उनके जो सीनियर मोस्ट दूसरे जज है वो उनकी जगह इनकी रिटायरमेंट के बाद वो आएंगे। झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि और इसमें नजर आता है कि यहाँ पर कोई मनूवरिंग या मैनेजमेंट ऐसी हो रही है जो मुल्क के मफाद में नजर नहीं आ रही मुझे। नमस्कार।